नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मम्मी को ऑफिस से ऑफ है, तो मैं आज कटिंग वगैरह करवा के आया था, क्योंकि मेरे को जाना है कुल्लू दशहरा देखने। कुल्लू दशहरा आज से शुरू होके एक हफ्ते तक 12 तारीख तक चलेगा। किसी भी दिन मैं जा सकता हूँ। कोई मेरे सब्सक्राइबर कुल्लू से है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि वहाँ पे होटल वगैरह कहाँ मिलेंगे, क्योंकि जो रेस्ट हाउस वगैरह होंगे वो तो सारे डीसी के अंडर होंगे, वो ऐसे बुक नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अभी मम्मी खाना लेके आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि खाना बिल्कुल भी वेस्ट करें। और मम्मी बोल रहे हैं कि भिंडी पड़ी है, तो उसी के साथ हम लोग खाना खा लेंगे। ना घी मत लगाना, घी मत लगाना। मम्मी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया ना, पर हमारी गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि हम लोग अभी मिल गए सब्सक्राइबर्स को। सब्जी रोटी फुलके या मक्की की है? फुलके की है। थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया, आप लोग बताना कि अच्छा लग रहा है या फिर ऐसे ही ठीक ठाक ही लग रहा है। थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई बार नई लुक ना, देखो अपनी लुक थोड़ी सी चेंज करवा दीजिए। और फुलके खाना मम्मी सर, देखो फुलके मैंने ना ये चेंज किया, ये शोकर जो है ना, ये वाला ये चेंज किया, ऊपर जाके यहाँ पे रुक जाता है ऐसे, वो दूसरे वाला रुकता नहीं था। और ये राजमा सब के भिंडी में डाल दो, मेरे को बन गया ना बोलके। मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी सामान पैक कर लो, हमें यहाँ पे नहीं रहना, अब हम लोग जाएंगे कुल्लू। मम्मी कहते हैं मेरे को तो एक भी छुट्टी नहीं है, तो मम्मी ने मेरे को बना दिया कुल्लू, क्योंकि मम्मी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेते, एक दिन की भी एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं लेते। छुट्टी क्यों लेते ऑफिस से? अच्छा रिटायरमेंट के बाद छुट्टी ले लिया करो, घूम फिर के एंजॉय करो अपना। एक दिन दिन के लेंगे, फिर एक दिन की छुट्टी लेंगे, फिर दो दिन लगेंगे वहाँ पे, एक दिन तो जाने में लग जाएगा, एक दिन आने में वहाँ पे, फिर रुकेंगे या देखेंगे, फिर आप थक जाओगे फिर सो जाओगे। रोली मेरी है ना, पहले मेरी थी, अब सिद्धार्थों की होगी। दो दी थी ना ये, हाँ मैंने बाहर रखी थी, मैंने कहा धो दो, इसको कवर चढ़ा के इसको अच्छी तरह से कर दो ना, ताकि खराब ना हो ये। हम लोग लंच कर लेते हैं, आप लोग भी खाना खाइए। पता नहीं आपके वहाँ पे अभी क्या टाइम हो रहा होगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा रात हो गई होगी। मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, मम्मी को हमने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। जय माता दी, इसमें ज़्यादा ऑयल। आप लोगों से एक सवाल है कि जब कोई लोग जब छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं, कुछ लोग जय माता की बोलते हैं, कुछ लोग गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, इसका मतलब बताइएगा कि क्यों बोलते हैं? जब छींक आती है तो उसी टाइम क्यों बोलते हैं गॉड ब्लेस यू या फिर जय माता दी? कमेंट करके जरूर बताइए, जिन लोगों को पता है वो बताइएगा, नहीं तो अगली वीडियो में मैं इसका आंसर आप सबको बताऊंगा। खाने के बाद ना एकदम से सुस्ती सी आ जाती है और चाय पीने को मन करता है, तो मम्मी का भी चाय पीने को मन कर रहा है। मम्मी बोल रहे हैं कि चाय बना दे, और मम्मी ने मेरे को एक टारगेट दिया है कि इस बार हमने ना अपना बिल जो है वो 125 यूनिट से कम लेके आना है, ताकि हमारा बिल माफ हो जाए। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वॉशिंग मशीन चलती है, मोटर चलती है, काफी कुछ होता है ना, तो इसलिए नहीं होगा। नहीं होगा मेरे को पता है ना, बीच में हमने एसी भी चलाया था, एक दो दिन एसी चलाया सिर्फ, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। चाय बनाओ आपके लिए, मम्मी के लिए बनाते हैं दुकान जैसी स्पेशल चाय, जैसे दुकान पे बनाते हैं ना उस तरह। चाय ज़्यादा टेस्टी बनाने के चक्कर में बनी कम है, तो कोई बात नहीं, मम्मी खुद ही पान रख के गए थे कि चाय बना लेना। लो मम्मी चाय, चीनी नहीं बिल्कुल, थोड़ा मड़ी भी नहीं पाई, बड़ी जी बात है, शक्कर पाना, लो पकड़ो चम्मच लेना, शक्कर पाना ना भाई, अद्धा का बनाया, फिर तुम पानी इतना रख के गए थे, दूध करने जा रहा पाना, जेड़ी दुकान वाली चाय होती है ना जो, उसमें इतना ही दूध डलता है। मम्मी ये वाला बैग ठीक है ना, ये कुर्ता पजामा, ये कौन कहां पहन रहा है, ये नहीं चार्जर है, चलो बैग दिखा लेके आया आपको, ये ठीक रहेगा थोड़ा, ये ना इस बैग का ये फायदा है, और ये वाटरप्रूफ, मम्मी जब मैं चंबा गया था ना, तो इस बैग में ना इतनी एक बूंद भी पानी की नहीं गई। सौरभ भैया का बैग था ना, वो भीगता रहा, तो उनका बैग भीगता रहा, इसमें एक बूंद भी पानी की नहीं गई, इतना सही बैग है ये बैग। शॉपिंग के साथ मिले थे जब शॉपिंग की थी, हाँ फ्लाइंग मशीन के साथ मिले थे, पता नहीं कौन से उसके साथ मिले थे। मेरा मन किया दूध पीने का, बहुत टाइम के बाद दूध पी रहा हूँ, और मैं पहले ना बिना चीनी के दूध पीता था, दूध थोड़ा सा गुनगुना कर लेना, ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना, थोड़ा सा गुनगुन कर लेना, उसमें चीनी हल्की सी डालनी, और अगर ठंडा दूध पीना है तो बिना चीनी के। और सफाई करनी थी कहाँ पे, खेत तो मैं कर लूँ कुछ, क्यारी को मैं कुछ लगा लेता हूँ ना। मम्मी आपका मन नहीं कर रहा है ऐसे जाने को कुल्लू? पता क्या होता है, जब प्रिया प्रीति भरत जी के साथ में हो ना, फिर मन करता है ना, तो होता मन की घूम के आया ना, नहीं मेरे को पता क्या, अभी कुल्लू दशहरा जो है ना इंटरनेशनल फेस्टिवल है हिमाचल का,
तो मैंने कभी देखा नहीं है ये, और मेरे को ये है कि मैंने देखना है। और वहाँ पे ना महानाट्य होनी है, पता नहीं किस दिन होगी, महानाट्य होती है, उसमें 2-3 हजार लोग नाट्य करते हैं, नाचते हैं पूरे ग्राउंड में कुल्लू में ना। तो वो पता नहीं किस दिन है, उस दिन जाना हुआ तो उस दिन जाऊंगा या फिर उसके बाद कभी भी। तो कुल्लू का दशहरा मेरे को देखना है, मंडी की शिवरात्रि देख ली, मिंजर का मेला, चंबे का मिंजर देख लिया। कॉल करके मैं देखता हूँ, गूगल पे चेक करता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ ना। सेब का लगा के फायदा नहीं, पता क्या जो चीज ठंडे एरिया में होती है ना वो उसी एरिया में सही होती है। यहाँ पे लगा तो लेंगे लोगों को दिखाने के लिए, पर क्या फायदा उस चीज, जो हमारे एरिया में होती है वही चीज नहीं हम लोग लगाते। मम्मी किसने खाने सेब जो है, मम्मी ठंडे एरिया की फसल है, वो ठंडे एरिया में अच्छे होते हैं। अब हमारे यहाँ पे मक्की होती है, गेहूँ होती है और अमरूद होते हैं। अमरूद देखे आपने कभी शिमला में, अमरूद लगे, आम देखे आपने शिमला में, नहीं होते ना। तो फिर ठंडे एरिया गर्म एरिया के अलग अलग सीजन होते हैं। टाइम हो गया मैंने कोई ट्रिप नहीं लगाया, काफी टाइम हो गया मेरे को। चंबा में गए थे हम, उसके बाद नहीं गए। चंबा भी कब गए थे, 2-3 महीने हो गए उन्हें, उसके बाद कहीं नहीं गया। तो मैंने अभी पैसे थोड़े से बचा के रखे हैं, बस अभी कुल्लू का दशहरा देखना है। जब प्रिय दीदी आएंगे, हमारे जीजू सिद्धार्थ, तब जाएंगे घूमने, उसके पहले नहीं जा रही है। यहाँ पे पानी पी रही है और नहा रही है। मम्मी खाना रोटी पड़ी अंदर, ले डाल दो इनको, ये एक गिटारी यहाँ पर मक्की वास्ते। रोटी एकदम गर्म पे, एकदम सॉफ्ट है ना। क्यों होगा ना, आस होती है कि जिस जगह पे पानी रखा होता है ना, मम्मी वहाँ पे खाने में रख देते हैं। तो इनको बड़ी उम्मीद होती है कि यहाँ पे खाना भी मिलेगा खाने के लिए, तो इसलिए पक्षियों के लिए ना कुछ हम लोग डालते रहते हैं। तो ये मैंने 3-4 मटके लगाया पानी के, अभी पानी इसमें खाली करती है उन्होंने पी के पीते कम है। और नहाने के टाइम ना जैसे स्विमिंग पूल होता ना वैसे नहाते हैं इसमें, तो उसमें ज़्यादा वेस्टेज कर देते। चलो अब इनके लिए इंजॉयमेंट है, हमारे छोटे से प्रयास से इतना पक्षियों को सुकून मिलता है। आप लोग भी अपने घर में पानी का मटका और खाने के लिए पक्षियों को कुछ ना कुछ जरूर डाल दीजिए करिए। लोग बोल देते हैं ना कि पुण्य के काम करने हैं तो दिखाना नहीं चाहिए वीडियो में, अगर हम लोग दिखाएंगे नहीं तो कुछ लोग ऐसे ही रह जाते हैं कि हम क्या करें, किस कैसा पुण्य करें। तो हम लोग वीडियोस में दिखाते हैं तो काफ़ी सारे लोग उसको देख के फॉलो करते हैं और उनको भी अच्छा लगता है कि हमने कुछ दान किया, कुछ पुण्य किया। तो इसलिए मैं वीडियोस में दिखाता हूँ ताकि और लोग मुझे देख करके ऐसे दान पुण्य के काम करते रहें। काफ़ी सारे लोग करते होंगे, मुझसे भी ज़्यादा दान करते होंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या करना चाहिए, डोनेशन में क्या देना चाहिए। पानी की बोतल ना कुछ दिन के बाद धोनी पड़ती है, इसमें इसका जो ढक्कन है ना ये लगता नहीं अच्छे से, इसके ऊपर या तो कोई जंगाल वगैरह आया था होगा या फिर पता नहीं क्यों ये ढक्कन अच्छे से खुलता ही नहीं है, इसलिए इसको 7-10 दिन के बाद धोना पड़ता है। जो इसके मेन्यू बुक थे ना उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसको कैसे धोना है, इसको कैसे वॉश करना है, या नींबू डाल के, एक नींबू डाल दो उसमें और एक चम्मच नमक का और पानी थोड़ा सा, इसको हिला के 10 मिनट के लिए रखो, और या फिर विनेगर। अब बोलो क्या काम बोल रहे करने को आप, और नहीं करना और पोछा लावा कितने पोछा, फिर नैल डाली इसमें, पानी साफ है ये पानी, तो मेरे को ऐसे लग रहा है ये गंदा, फिर नैल की खुशबू तो आन रही है इसमें। आपके पोछे ठीक है, अब नहीं बोलना मेरे को, मिट्टी लगा के रखी हुई है चूल्हे पे चढ़ाने के लिए इसको, कुकर को पानी मिलाओ, अभी तो पिया चाय, रुक जाओ लगा दी, इधर ही लगा दी पोछे मैंने, सारे बर्तन अंदर रख दो। और मम्मी बोलते कि आज मैंने कुछ सीखा है, मम्मी से पूछता हूँ कि आपने क्या सीखा है, आप लोगों को भी जान के बड़ी हंसी आएगी कि मम्मी कैसे बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने क्या सीखा है। और थोड़े से गाने लगा के गाने सुन लेते हैं, कैसा गाना सुनना, तो ये आपने क्या सीखा गाड़ी में, एक गाड़ी में बटन है, एक डिक्की खोलने, एक रिमोट पे भी है, रिमोट के ऊपर जो लास्ट वाला बटन है ना उसके ऊपर गाड़ी का साइन बना हुआ, उसकी डिक्की खुली हुई है, उसको लॉन्ग दबा के रखो 1-2 सेकंड खुल जाती है, उस टाइम डिक्की खुल जाती है, फिर इससे भी खुल जाती है। हाँ उसमें इधर वो होता है डिक्की का होता है आगे पेट्रोल का डीजल का, देखा
अच्छा अपनी गाड़ी में ना मैं नारियल का तेल रखता हूँ क्योंकि हाथों को मॉइस्चराइज करने के लिए ना, तो हमेशा गाड़ी में कोकोनट ऑयल रखता हूँ, एक दो चीजें और रखता हूँ, पैरासिटामोल की दवाई रखता हूँ और सैनिटाइजर रखता हूँ, मास्क भी रखता हूँ, तो इसलिए मम्मी को नारियल का तेल चाहिए तो रख दिया, उसमें रख दिया वापस, रख दिया ना कहीं ऐसा ना कि मेरे को फिर वहाँ पर, हाँ क्योंकि मेरे को वापस अगर कहीं पे नारियल का तेल चाहिए होता तो गाड़ी में मिल जाता है और बेड के पास भी रखा होता है, हर जगह पे रखा होता है, क्योंकि नारियल का तेल जो है हम हमेशा हाथों में लगाते रहते हैं, उससे हाथ जो मॉइस्चराइज रहते हैं। तो देख के मेरे को भी नहीं आ रही, मैं नहीं जानू जा देखने, इधर देख लेंगे, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, क्या पटाखे देखने, पता क्या इधर देख लेंगे उसके बाद चलते, ठीक है हाँ उसके बाद मार्केट चलते हैं, वहाँ पे क्या देखना, इधर देख लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं मार्केट, ठीक है ना, डिनर बाहर कर लेंगे फिर दोनों ही, इधर ही देखते हैं फिर उसके बाद चलते हैं मार्केट में, फिर खाना खा के आएंगे डाल होटल में ना, ठीक है। मम्मी को देख के मेरे को भी नींद आ रही है, थोड़ी देर आधा घंटा झपकी लगा लेते हैं। सेम ही होता दिशहरा क्या होता थोड़ा कुछ, हम गए थे ना ट्रैकिंग पे, वो पहाड़ी इससे भी ऊंची है और ऊपर घर है उसके ऊपर काफी सारे ना, और उधर जाने के लिए सिर्फ पैदल रास्ता है, वैसे सड़क निकल गई है पर वहाँ पे 4x4 जो ऑफ रोडिंग गाड़ी होती है ना वही जा सकते हैं, नॉर्मल गाड़ी में वहाँ पे जा सकते हैं, नहीं हमारे वाली गाड़ी में जा सकती क्योंकि वहाँ रास्ता बहुत खराब है वो, तो इसलिए हम लोग तो ट्रैकिंग करने गए थे, अदरवाइज हम लोग बाइक पे भी जा सकते हैं। हम लोग फिर से वापस आ गए, सोए तो हम लोग है नहीं, 10-15 मिनट नींद आई बड़ी मुश्किल से और फिर उठ गए क्योंकि सो के कुछ बनना नहीं है, और मम्मी कर रहे हैं सर्दियों के लिए मसाला तैयार, घर का जो घर से स्पाइसेस होते हैं ना उससे मम्मी मसाला तैयार कर, पता क्या है ये जायफल नहीं है क्योंकि फूल है ये, कमल का फूल है या फिर या कुछ और है ये, मसाले भी चुंदा खा कर देख जायफल, मम्मी जायफल नहीं है ये कुछ और है ये, आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये क्या चीज है, और इस ये मसाला हम लोग दुकान से लेके आए लेकिन ये रेडीमेड है, मतलब ये पिसा हुआ नहीं है, ये धनिया है इसमें, इसमें लौंग भी है इसमें, ये वही मसाला है पैकेट वाला ना, वो अलग है वो, ये कौन सा है, ये धनिया पाउडर अलग ही रखना, ये धनिया पाउडर बना रहे हो आप, इसमें और क्या क्या डालना है, अच्छा ये किस पर्पस के लिए, ये धनिया पाउडर, तो ये क्या बना रहे हो आप, पानी पीना, ये अकेली दालचीनी है, अच्छा इसको कुट रहे हो, इन्हें कुटते पे पंजाब बोल रहे, इसको कुट रहे हो, इन्हें कुटते पे, इन्हें कुट के छान के रख लो, जी दालचीनी बचनी है मसाले पा, अच्छा चाय के मसाले में धनिया पाउडर तैयार करे, तो इसमें इलायची क्यों डाली हुई धनिया पाउडर में, नहीं धनिया पाउडर में इलायची का क्या काम है, मम्मी ने सारा कुछ मिक्स कर रखा और क्या, तो इसमें दालचीनी भी है, ये मसाले आ गए, तो ये इलायची इसमें डाल दो ना, इलायची चाय बनानी थी हुण, चाय के लिए अंदर है पड़ी हुई, ये भी डाल दो, फिर लौंग भी क्या करने, इसमें लौंग भी डालने, धनिया पाउडर में डाल लो लौंग, मामा जी बोलते हैं कि जो लौंग होता है ना ये हमारे शरीर से सारा जहर बसहर निकाल लेते हैं, तो सब्जी में लौंग जरूर होनी चाहिए, लौंग प्याज ये चीजें जरूर होनी चाहिए, अच्छा कोई बात नहीं, चाय पीनी फिर से, मेरा तो मन नहीं है, चलो बना दो थोड़ी देर के बाद, और मसाला बनाना और सामान, अच्छा सर्दियों में चाय बना के इतना अच्छा मजा आता है, इसके पीने ना चीनी छोटियां इलायचियां बड़ियां इलायचियां मीठी सौंफ कौड़ी सौंफ पुदीना फूल गुलाब के फूल मसाले में डालते हैं, जो दूसरा मसाला हम लोग जब तैयार कर देंगे ना तो उसकी रेसिपी दिखाएंगे, उसमें क्या क्या ऐड किया हुआ, इंग्रेडिएंट्स दिखाएंगे उसमें ना, हाँ जी फूल है ना फूल, तो कैसे सुखा के इस गुलाब के फूलों को धो के सुखा के फिर इसको हम लोग सब्जी में डाल सकते हैं ना, ये सही है ना, मसाले में देखे एक बारी, हाँ मसाले का जो अंदर पैकेट पड़ा ना उसको धूप लगा के उसके साथ शेयर करूंगा कि हमने उसमें कौन कौन से जो देसी स्पाइसेस है वो ऐड किए हुए हैं। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, और हम लोग जाएंगे दशहरा देखने, आप लोग वीडियो को देखिएगा, कुछ लोग बोल रहे थे कि अपने गांव की रामलीला दिखाइए, गांव में रामलीला देखने तो मैं खुद भी नहीं गया इतनी बार, लेकिन आपको दशहरा जरूर दिखाऊंगा, थोड़ी सी दशहरे की झलकियाँ, और अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, तो बाय बाय।